परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, प्रभु पवित्र नामाची स्तुति असो। दिस मॉर्निंग फॉर अवर मेडिटेशन लेट अस टर्न अ स्क्रिप्चर टू द गॉस्पेल ऑफ मार्क। इस सुबह के वक्त हमारे ध्यान के लिए अपने पवित्र शास्त्र को मरकुस के किताब की ओर मोड़ेंगे। सका चवे अपने मनना साथी अपन मार्क से शुभ वर्तमान करे भैया। लेट अस ऑल टर्न अ स्क्रिप्चर टू द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1:9-13। मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय 9-13 वचन की ओर अपने पवित्र शास्त्र को मोड़ेंगे। मार्क शुभ वर्तमान पहला अध्याय से 9-13 वचन पढ़िया। कैन एनीवन रीड इन हिंदी? उन लोगों ने यीशु ने गलील की नासरत से आकर यर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वह जल से निकल कर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। प्रेस फॉर द होली नेम ऑफ गॉड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। दिस आर द वेरी फैमिलियर वर्ड्स विच ऑल नोन टू एवरी क्रिश्चियन। और ये ऐसे वचन है जो सब मसीही लोग जानते हैं। यह ऐसी रचना है जो सर्व कृषि लोग होता है। एवरीबडी नोज दैट अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ही टुक वाटर बैप्टिज्म। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया। अपना सर्वना ठाउक है कि प्रभु यीशु क्रिस्ता ने पानी का बपतिस्मा घेतला होता। टू टेक वाटर बैप्टिज्म और जीसस ही केम टू जॉन द बैप्टिस्ट। और पानी का बपतिस्मा लेने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया। और यीशु बपतिस्मा घेण्यासाठी यूहन्ना बपतिस्मा देणारा कडे तो आला होता। After receiving the water baptism, when Jesus was coming out of the water, the Spirit of God came upon him. और जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद पानी से निकलकर आया तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। जी जेव्हा यीशु ने पाण्याचा से बपतिस्मा घेतला आणि पाण्यातून तो बाहेर आला तेव्हा पवित्र आत्मा त्याच्यावरती उतरला। And the same Spirit took him into the wilderness. और वही आत्मा उसको जंगल की ओर लेकर गया। क्या आत्मा ने तेरा जंगलत क्यों गिली? And in the wilderness he was tempted for 40 days. और he was tempted by Satan. और उस जंगल में शैतान के द्वारा वो 40 दिन उस जंगल में परखा गया। आणि त्या अरण्यात त्याला शैतानाने 40 दिवस परीक्षेत नेलं। And finally Jesus overcame the Satan by his word. और अंत में यीशु मसीह शैतान के ऊपर अपने वचन के द्वारा प्रबल हुआ। आणि यीशु शेवटी शैतानावरती वचनाच्या द्वारे तो प्रबल आणि विजय झाला। प्रेस फॉर द होली नेम ऑफ गॉड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वचन नामाचे गौरव असो। इन वर्स 13 वी रेड दैट। और 13 वचन में हमने ये पढ़ा। 13 वचनात आपण पाहतो की इन वर्स 13 वी हैव रेड दैट। और 13 वचन में हमने ऐसा पढ़ा। 13 वचनात आपण असं वाचलं। बाय होली स्पिरिट Jesus was led into wilderness. और पवित्र आत्मा के द्वारा वो उस जंगल की ओर लेकर आकर्षित किया गया। पवित्र आत्मा द्वारे यीशुला अरण्यात घालवले गेले। सो इन दैट विल्डरनेस वी कैन सी देयर वाज सैतन। और उस जंगल में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर शैतान था। आणि त्या अरण्यात आपण पाहतो की तिकडे शैतान होता। इन दैट विल्डरनेस वी कैन सी देयर वाज वाइल्ड बीस्ट। और उस जंगल में जंगली जानवर थे। अरण्यात वन पशु सुद्धा होते। इन दैट विल्डरनेस वी कैन फाइंड एंजल्स। और उस जंगल में हम स्वर्गदूत को भी देख सकते हैं। अरण्यात आपण देवदूतांना सुद्धा पाहतो। इन दैट विल्डरनेस देयर वाज अ स्पिरिट ऑफ गॉड। और उस जंगल में परमेश्वर का आत्मा भी था। आणि त्या अरण्यात प्रभूचा आत्मा सुद्धा होता। प्रेस फॉर द होली नेम ऑफ गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभूचा पवित्र नावाचे गौरव असो। इन दिस विल्डरनेस व्हाट ऑल द थिंग्स वी आर सीइंग। और इस जंगल में हम क्या क्या देखते हैं। अरण्यात आपण काय काय पाहत आहोत। वी सी अवर जीसस। हम अपने यीशु को देखते हैं। अपने यीशुला पाहतो। वी सी देयर इज अ होली स्पिरिट। हम देखते वहां पे पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्माला पाहतो। वी सी देयर आर एंजल्स। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत है। देवदूतांना सुद्धा पाहतो। वी सी देयर वाज सैतन। हम देखते हैं कि वहां पर शैतान भी था। तिकडे शैतान सुद्धा होता। एंड इवन देयर वर वाइल्ड बीस्ट। और वहां पर वन पशु भी थे। वन पशु सुद्धा होते। एंड वी इमेजिन एट अ टाइम एट वन प्लेस कैन ऑल दिस थिंग्स टू बी हैपन विथ अस। क्या हम सोच सकते हैं कि एक ही समय में ये सारी बातें हमारे साथ घट सकता है। एक सर्व गो
गोष्टी आपल्यावरती घडण्यासाठी आपण असा विचार करू शकतो का? इफ इट हॅपन्स विथ अस, यदि वो हमारे साथ घटेगा तो असं आपल्याबरोबर घडलं तर व्हॉट विल बी योर सिच्युएशन, तो आपका अवस्था क्या होगा, तर आपली परिस्थिती कशी होणार? एट अ टाइम इन वन प्लेस ऑल दिस वर देयर, एक ही समय में ये सारे बातें वहां पर थी, एक समय मधे सर्व का वेळा मधे सर्व का ही होते, वन टाइम एट वन प्लेस ऑल दिस वॉज देयर, एक जगह पे एक समय पर ये सारे बातें थी, एक ठिकाणी एक वेळेला ह्या सर्व गोष्टी तिकडे होत्या। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, और इस महीने के शुरुआत में, ज्या महिन्याच्या सुरुवातीला, आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, मैं मेरा अच्छा आरोग्य नहीं था, मला बरं नव्हतं। For 10 to 12 days I was sick. 10 या 12 दिन तक मैं बीमार था। हाँ, 12 दिन तक परंतु मैं आजारी होतो। During those days, और उन दिनों में, अनि त्या दिवसांमध्ये, I was alone in my room. मैं अपने कमरे में अकेला था। आणि माझे खोली मध्ये एकटाच होतो। When I was alone in my room, I was praying to God. आणि जर मैं अपने कमरे में अकेले था, मैं अपने परमेश्वर से बातें कर रहा था, मैं तिकडे एकटा होतो, प्रेइंग बिफोर गॉड, मैं परमेश्वर के सामने बात प्रार्थना कर रहा था, प्रभुशी पुढे मी प्रार्थना करत होतो, आई वॉज फिलिंग इन स्पिरिट, मैं आत्मा में भर रहा था, आत्म्यामध्ये भरत होतो, गॉड इज गिविंग मी हिज हेल्प, और परमेश्वर अपना मदद मुझे दे रहा है, प्रभु मला तिथे सहायता करत होता, ऑन अनदर साइड इवन सैटन वॉज टेम्पटिंग मी, और दूसरे तरफ से शैतान भी मेरी परीक्षा कर रहा था, दूसरा तरफ से शैतान सुद्धा मला परीक्षेत आणत होता, प्रेज टू द होली नेम ऑफ गॉड, परमेश्वर के नाम पवित्र नाम की महिमा हो, उसे पवित्र नामाची स्तुती असो, यस बिलॉव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, हा प्रिय परमेश्वर के बच्चे, प्रिय परमेश्वराचे मुलांनो, लाइक दैट लाइक दिस एट अ टाइम इन वन प्लेस ऑल दिस कैन हैपन विथ अस, वैसे ही एक समय में एक जगह पर ये सब बातें हमारे साथ भी हो सकती है, त्याचप्रमाणे एकाच वेळेमध्ये या सर्व गोष्टी आपल्यावरती सुद्धा घडू शकतात। जीसस गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ, येशू मसीह अपने जीवन में इस अनुभव के ओर से चलकर आया, आपला येशू ख्रिस्त सुद्धा या अनुभवातून तो गेला आहे, यस बिलॉव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, हा प्रिय परमेश्वर के बच्चे, प्रिय मुलांनो, इवन इन अवर फेथ लाइफ, हमारे विश्वास जीवन पर भी, आपला विश्वास जीवनामध्ये सुद्धा, व्हेन वी गो थ्रू ऑल दिस एक्सपीरियंस, हम जब इन सारे अनुभव से होकर जाएंगे, आपण या सर्व अनुभवातून जातो, व्हेन वी गो थ्रू ऑल दिस पाथ, और इन सारे मार्गों से होकर जाएंगे, सर्व मार्गातून जेव्हा आपण जातो, वी शुड ओवरकम इट बाय द वर्ड ऑफ गॉड, हम इस पर परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रबल होना है, प्रभुच्या वचनाच्या द्वारे आपण विजयी झाले पाहिजे, प्रेज टू द होली नेम ऑफ गॉड, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो, त्या पवित्र नावाचे गौरव असो, इन दिस वर्स वी कैन फाइंड दैट जीसस आफ्टर 18 इयर्स इज कमिंग टू जॉन द बैप्टिस्ट फॉर वॉटर बैप्टिज्म, इस वचन में हम पढ़ते हैं कि 18 साल के बाद यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा है, आपण पाहतो की येशू 18 वर्षाचा झाल्यानंतर तो यूहन बपतिस्माकडे बपतिस्मा घेण्यासाठी आला, इन बाइबल वी कैन फाइंड अबाउट जीसस अप टू द एज ऑफ 12 व्हाट ही हैज डन एंड व्हाट ही वाज डूइंग, वी कैन फाइंड इन स्क्रिप्चर्स, और पवित्र शास्त्र में 12 साल तक येशु क्या कर रहा था इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, पवित्र शास्त्र 12 वर्षापर्यंत येशु काय करत होता त्याच्या बद्दल आपण वाचू शकतो, बट आफ्टर 12 अप टू द एज ऑफ 30 व्हाट ही वाज डूइंग नथिंग हैज बीन मेंशन इन स्क्रिप्चर और एनी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, सर 12 साल के बाद 12 साल से लेकर 30 साल तक यीशु मसीह ने क्या किया वो पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा गया है, 12 वर्षानंतर 30 वर्षापर्यंत येशू ख्रिस्ताने काय केलं ते पवित्र शास्त्र सुद्धा लिहिलं गेलं नाही आहे, इतिहासाच्या पुस्तकात सुद्धा लिहिलं गेलं नाही आहे, यस प्रेज टू द होली नेम ऑफ गॉड, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो, पवित्र नामाची स्तुती असो, 18 इयर्स ही वॉज विद हिज फादर, 18 साल वो अपने पिता के साथ थे, 18 वर्ष तो अपने पिता बरोबर राहिला, ही वॉज जीसस वॉज अ क्रिएटर, येशू सृष्टि करता है, येशू सृष्टि करता है, ही वॉज द ऑलमाइटी गॉड, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सामर्थ्य प्रभु है, ही इज द लिविंग गॉड, वो जीवित परमेश्वर है, जीवंत प्रभु है, 18 इयर्स रिसीविंग नथिंग फ्रॉम हिज फादर, जस्ट ही वॉज विद हिज फादर, 18 साल तक पिता से कुछ भी प्राप्त किए बिना वो पिता के पास ही रहता था, 18 वर्ष प्रभु पिता बरोबर राहून कहीं न करता तो तिकडे होता, बिलॉव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, आप प्रिय परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर से मिलाना, दिस मॉर्निंग स्पिरिट ऑफ गॉड इज आस्किंग विद यू, इस सुबह के वक्त पवित्र परमेश्वर का आत्मा आपसे पूछ रहा है, पवित्र प्रभु से आत्मा तुम्हारा विचारित है, कैन यू बी विथ योर गॉड रिसीविंग नथिंग फ्रॉम हिम, क्या आप अपने परमेश्वर के साथ परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त किए बिना रह सकते हैं, तुम्ही प्रभु बरोबर प्रभूच्या पासून काही प्राप्त न कर केल्याशिवाय तुम्ही राहू शकता का, कॅन यू बी विथ युअर गॉड रिसिव्हिंग नथिंग फ्रॉम हिम,
क्या आपके परमेश्वर के साथ रहते हुए कुछ भी उसे प्राप्त किए बिना उसके साथ रह सकते हैं क्या? प्रभु बरोबर राहुल का ही प्राप्त न करून तुम्ही बरोबर असं राहू शकता का? टुडे इन दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड. इन दिनों में हमें क्या जरूरत है? क्या दिवसा मध्ये आपल्याला काय गरज आहे? व्हेन वी प्रे इमिडिएटली वी वांट आंसर फॉर द प्रेयर. जब हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना का उत्तर हमें तुरंत ही चाहिए. जेव्हा आपण प्रार्थना करी तो त्याचं प्राप्तीचं उत्तर आपल्याला लगेच हवं असतं. इफ यू वांट एनी जॉब व्हेन यू आर प्रेइंग Immediately we want a good job. यदि आपको नौकरी चाहिए और आप प्रार्थना करते हैं तो आपको तुरंत वो मिलना चाहिए. तुम्हारा नौकरी हो गया आणि नौकरीची प्रार्थना केल्याने तुम्हाला लगेच ती नौकरी पाहिजे असते. If you want to develop your business, if you are praying for your business, when it develops, you will be good and joy. जब आपका अपना बिजनेस बनना चाहिए, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका बिजनेस बनना ही है. आणि तुमचा व्यापार वाढण्यासाठी जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करीता आणि तो वाढलाच पाहिजे, त्यानंतरच तुम्हाला आनंद होतो. If you won't receive anything from your God, यदि आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, प्रभु का पास अपन कहीं प्राप्त किया नहीं कर, विल यू बी विथ योर गॉड? क्या आप अपने परमेश्वर के साथ रहेंगे? तरी सुद्धा तुम्ही प्रभु बरोबर राहाल का? जीसस फॉर 18 इयर्स रिसीविंग नथिंग फ्रॉम हिज फादर, हैविंग अथॉरिटी एंड एवरीथिंग, ही रिसीव नथिंग फ्रॉम हिज फादर, ही वॉज विद हिज फादर. यीशु मसीह को सब प्रकार का अधिकार था, फिर भी 18 साल तक पिता से कुछ भी प्राप्त किए बिना उसके साथ रहा. आणि येशू ख्रिस्त 18 वर्ष पिता बरोबर राहिला, पिताकडनं काहीच प्राप्त न करता, त्याच्याकडे सर्व अधिकार असला तरी पिताने त्याच्या हातात काहीच दिलं नाही, तरी तो पिता बरोबर राहिला. गॉड द फादर ही डिडंट अलाउ हिम टू डू मिनिस्ट्री. पिता परमेश्वर ने उसको कोई भी सेवा करने के लिए अनुमति नहीं दिया. पिता परमेश्वर ने त्याला काहीच सेवा करण्यासाठी परवानगी दिली नाही. गॉड द फादर ही डिडंट अलाउ हिम टू डू मिरेकल्स फॉर 18 इयर्स. और 18 साल तक पिता परमेश्वर ने उसको कोई भी अद्भुत काम करने के लिए अनुमति नहीं दिया. 18 वर्षापर्यंत त्याला काहीही अद्भुत काम करण्यासाठी त्याला परवानगी दिली नाही. गॉड द फादर ही डिड नॉट अलाउ हिम टू प्रीच फॉर 18 इयर्स. पिता परमेश्वर ने उसको प्रचार करने के लिए 18 साल तक अनुमति नहीं दिया. 18 वर्षापर्यंत त्याला काही प्रचार करण्यासाठी सुद्धा परवानगी दिली नाही. देयर वॉज नो नेम एंड फेम फॉर जीसस. 18 साल तक येशू मसीह को कोई भी नाम नहीं था. आणि 18 वर्षापर्यंत येशू ख्रिस्त नावाची काहीच प्रसिद्धी झाली नव्हती. 18 इयर्स देर इज नो रेकॉर्ड फॉर जीसस. और यीशु मसीह के लिए 18 साल तक कोई भी ऐसा कुछ कुछ भी नाम नहीं था. आणि 18 वर्षापर्यंत येशु ख्रिस्ताचं काहीच इतिहासामध्ये लिहिलं गेलं नाहीये. हॅविंग नथिंग ही वॉज विथ हिज फादर. और उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी पिता के साथ रहा. अरे काही नसताना सुद्धा तो परमेश्वर पिता बरोबर राहिला. फादर डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग इवन दो ही वॉज विथ हिज फादर. पिता ने उसको कुछ भी नहीं दिया, फिर भी वो पिता के साथ रहा. तो पिता बरोबर असला तरी सुद्धा पिताने त्याला काहीच दिलं नाही. इन दिस डेज इवन गॉड शुड हेल्प अस. हालेलुया. इन दिनों में परमेश्वर हमें भी मदद करना चाहिए. या दिवसांमध्ये प्रभूने आपल्याला सुद्धा सहाय्य केलं पाहिजे. नो वी वोंट रिसीव एनीथिंग फ्रॉम अ गॉड. हम आपने परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त किए बिना रहने पर भी रघुकर्ण अपन कहीं प्राप्त किया ना. दो गॉड डोंट गिव एनीथिंग फॉर एनीथिंग टू अस. और परमेश्वर हमको कुछ भी नहीं देने से भी प्रभु ने अपने कहीं किया नहीं तरी. ओ दो ही विल नॉट ब्लेस अस. वो हमें आशीष नहीं करने पर भी प्रभु ने अपना आशीर्वादित किया नहीं तरी. ही विल नॉट ब्लेस अ फैमिली. वो हमारे परिवार को आशीष नहीं करने पर भी अपने आशीर्वादित किया नहीं तरी. ही विल नॉट ब्लेस अ बिजनेस. हमारे व्यापार को आशीष नहीं करने पर भी अपना व्यवसाय आशीर्वादित किया नहीं तरी. हाउ मेनी ऑफ यू कैन से दैट आई विल बी फेथफुल टू माय फादर. और कितने लोग कह सकते हैं कि मैं अपने पिता के लिए विश्वास से रहूंगा, कि मैं अपने पिता के लिए विश्वास से रहा हूं. आई विल लिव फॉर माय फादर. मैं अपने पिता के लिए जीव भरूंगा, पिता से भी सभी. आई विल बी विथ माय फादर. मैं मेरे पिता के साथ रहूंगा, मेरा पिता बरोबर आऊंगी. दिस मॉर्निंग हाउ मेनी ऑफ यू कैन से लाइक दैट. कितने लोग ऐसे कह सकते हैं? आज मैं इस कितने लोगों से मान सकता हूं? मेनी ऑफ यू सच ए हार्ट. कितने लोगों को इस प्रकार का एक हृदय है? कितने लोगों का ऐसा एक हृदय आ ही? ऑल दोस हु हैव सच ए फेथ. Hallelujah. कितने लोगों को इस प्रकार का एक विश्वास है? कितने लोगों का ऐसा एक विश्वास आ ही? ऑल दोस हु आर फेथफुल टू गॉड. और कितने लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है? कितने लोगों का प्रभु के प्रति विश्वास नहीं आ ही? लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड प्रेज गॉड. अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करो. अपने हाथों और करुण स्तुति करिए. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द प्रेज द प्रेज. Hallelujah, praise you, praise you, praise you, praise you. Hallelujah, praise you, Lord, praise you, praise you, praise you. Hallelujah, praise you, Lord, praise you, praise you, praise you, praise you.
Yes, beloved child of God. हाँ प्रिय परमेश्वर के बच्चों, प्रिय परमेश्वर से मिलानो. Jesus, he came to John the Baptist. यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया. आणि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देणारा करे आला. John the Baptist, he was elder than Jesus for 6 months. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से 6 महीना वो बड़ा था. यूहन्ना बपतिस्मा देणारा यीशु पेक्षा 6 महीना मोठा होता. John the Baptist is a cousin of Jesus. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का वो भाई था. आणि यूहन्ना बपतिस्मा देणारा यीशु ख्रिस्ताचा चुलत भाऊ होता. Yes, now he has come to see his cousin brother John. हाँ अभी वो अपने भाई यूहन्ना को देखने के लिए आया है. आता तो अपना भाऊ चुलत भावाला भेटण्यासाठी आला आहे. What he is doing. वो क्या कर रहा है. वो काय करत आहे. What he is preaching. वो क्या प्रचार कर रहा है. काय प्रचार करत आहे. And what type of a ministry he is doing. और किस प्रकार का सेवा वो कर रहा है. कोणत्या प्रकारची सेवा तो करत आहे. Now Jesus has come to see his cousin brother John. यीशु मसीह अपने भाई यूहन्ना को देखने के लिए आया है. आता यीशु ख्रिस्त आपला चुलत भाऊ यूहन्ना पाहण्यासाठी आला आहे. Beloved child of God. प्रिय परमेश्वर के प्रिय परमेश्वर से मिलानो. When we see the life of John the Baptist. जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन को देखते हैं. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन से हम आपन पाहतो. He is totally different from his father. वो अपने पिता से बहुत ही अलग था. तो अपने पिता पेक्षा एकदम वेगळा होता. He was totally different from his father. वो अपने पिता से बहुत ही अलग था. अपने पिता पेक्षा तो एकदम वेगळा होता. What is the name of father of John the Baptist? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिताजी का नाम क्या है. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पिता से नाम क्या होता. Yes, can anyone say? कोई बोल सकता है क्या. कोई बोल सकता. क्या कोई बोल सकता है. What is name? उसका नाम क्या है. उसका नाम क्या है. Tell me. बोलिए. उत्तर क्या. His name was Zechariah. उसका नाम जकरिया है. उसका नाम जकरिया है. He was a priest. और वो एक याजक था. तो एक याजक होता. He was doing the ministry in the house of God. परमेश्वर के भवन में वो सेवा कर रहा था. उसका भवन तो सेवा करत होता. But John the Baptist ministry was totally different from his father. पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो सेवा था अपने पिता की सेवा से बहुत ही अलग था. पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा थी अपने पिता की सेवा पेक्षा एकदम वेगळी होती. Zechariah, he was ministering in the temple in the house of God. जकरिया जो है परमेश्वर के भवन में प्रवेश के मंदिर में वो सेवा कर रहा. तो प्रभु भवन मंदिर सेवा करायचा. बट जॉन द बैप्टिस्ट बीइंग इन द विल्डरनेस इज डूइंग मिनिस्ट्री. पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो जंगल में रहते हुए सेवा कर रहा था. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अरण्यत राहून तो सेवा करत होता. His father was wearing a priestly garment. और उसका पिता वो याजक के वस्त्र पहना था. अच्छा पिता तो याजक के वस्त्र घालायचा. बट जॉन ही वॉज वेयरिंग द गार्मेंट्स ऑफ कैमल्स हेयर. पर यूहन्ना जो है वो उस ऊंट के उस ऊंट के चमड़े से कपड़ा पहना था. और यूहन्ना बपतिस्मा देणारा जो है तो ऊंटा तो केसा तो वस्त्र घालत होता. जॉन द बैप्टिस्ट ही वॉज ईटिंग वाइल्ड हनी एंड लोकस. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है मधु मधु वो खाया था. और यूहन्ना बपतिस्मा देणारा जो है तो तोड़ रान मद तो खात होता. बट हिज फादर वॉज हैविंग द फूड विच ही वॉज गेटिंग इन द हाउस ऑफ गॉड. पर परमेश्वर के भवन में जो भोजन मिलता था उसके पिता वो खा रहा था. आणि जो त्याचा पिता होता तो प्रभु भवन जो जेवण मिळत होता ते तो खात होता. सी द डिफरन्स बिटवीन द जॉन द बॅप्टिस्ट एंड हिज फादर जकरिया. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और उसके पिता जकरिया के बीच में जो अंतर है उसको देखिए. बपतिस्मा देणारा यूहान आणि त्याचा पिता जकरियाच्या मध्ये फरक पहा. या जकरिया ही वॉज इन द टेम्पल. जकरिया वो तो परमेश्वर के मंदिर में था. जकरिया यहाँ परमेश्वर के मंदिर था. He was doing ministry according to the law. और व्यवस्था के अनुसार तो सेवा कर रहा था. व्यवस्था अनुसार तो सेवा कर रहा था. He was wearing a priestly garment. और वो याजक के वस्त्र पहना था. याजक के वस्त्र घाला था. He was eating the food which he was getting in the house of God. और परमेश्वर के भवन में जो भोजन मिलता था वो उसको खाता था. उसका भवन जो जीवन में होता था ते तो खाता था. But John the Baptist, he was not like that. पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा नहीं था. बपतिस्मा करणारा यूहन्ना नहीं था. वो जंगल में सेवा कर रहा था. अरण्य सेवा करत होता. Was different. और उसका वस्त्र वो अलग था. फूड वॉज डिफरेंट. और उसका भोजन अलग था. खाना भी दैट वॉज द लाइफ ऑफ हिज कॉन्सेग्रेशन. वही उसके प्रतिष्ठा का जीवन था. उसका प्रतिष्ठित जीवन एंड कॉन्सेग्रेशन इज गार्मेंट. और उसके वस्त्र में उसका एक प्रतिष्ठा था. वस्त्र मध्य पहले प्रतिष्ठा कॉन्सेग्रेशन इन हिज फूड. और उसके भोजन में उसका एक प्रतिष्ठा था. खाने मध्य पहले एक प्रतिष्ठा होती है. कॉन्सेग्रेशन इन हिज लाइफ. और उसके जीवन में उसका एक प्रतिष्ठा था. जीवन मध्य प्रतिष्ठा डवेलिंग इन द विल्डरनेस.
और वो जंगल में रहता था अरण्य प्रांत था इट सिग्निफाइज द फेथ लाइफ और वो विश्वास जीवन को दर्शाता है विश्वास जीवन वाला दर्शाता है न्यू टेस्टामेंट मिनिस्ट्री ये नए नियम का एक सेवा है नवीन करारा की एक सेवा है बट ज़करिया वाज डूइंग द मिनिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट तो ज़करिया जो है पुराने नियम के अनुसार वो सेवा कर रहा था करारा चाहे तो पूरा करारा के अनुसार तो सेवा करत होता यस बिलावड चाइल्ड ऑफ गॉड आप प्रिय परमेश्वर के परमेश्वर से प्रिय लोगों में मेनी 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 ऑफ द पीपल ऑफ गॉड वो आज बहुत सारे परमेश्वर के लोग आज अनेक प्रभु के लोग दे आर अफ्रेड हियरिंग दिस डॉक्ट्रिन इस उपदेश को सुनकर वो बहुत ही डर इस समय तो खूब घबराता है व्हाट डॉक्ट्रिन इज दिस टीपीएम पीपल आर प्रीचिंग ये टीपीएम के लोग कौन से उपदेश को प्रचार कर रहे हैं क्या उपदेश प्रचार करता है दिस बिलावड चाइल्ड ऑफ गॉड आप ये परमेश्वर के डोंट लुक एट दिस पीपल हालेलुया आप इन लोगों को मत देखिए ना तो भी पहु नका और डोंट लुक एट दिस पीपल और इन लोगों को मत देखिए पहु नका लुक एट द लाइफ हालेलुया और जीवन को देखिए जीवन वाला पहा लुक एट द मिनिस्ट्री हालेलुया और सेवा को देखिए सेवा वाला पहा फेथ लाइफ और विश्वास जीवन को देखिए जीवन वाला पहा कंसेक्रेशन और प्रतिष्ठा को देखिए लुक एट द ग्लोरियस मिनिस्ट्री और इस महिमा में सेवा को देखिए सेवा वाला पहा बिलॉन्ग चाइल्ड ऑफ गॉड और प्रिय परमेश्वर के बहुत द न्यू टेस्टामेंट मिनिस्ट्री ये नए नियम का सेवा है नवीन करार की सेवा है प्रेस फॉर द होली नेम ऑफ गॉड परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो इब्रानियों की स्तुति हो बिलॉन्ग चाइल्ड ऑफ गॉड आप प्रिय परमेश्वर के बच्चे नाउ जीसस ही हैज कम टू सी द जॉन द बैप्टिस्ट अब यीशु मसीह योना बपतिस्मा देने वाले के पास आया तो कहते यीशु यहां बपतिस्मा देने वाला पहाड़ से आला हां व्हाट टाइप ऑफ मिनिस्ट्री ही इज डूइंग किस प्रकार का सेवा वो कर रहा है किस प्रकार की सेवा वो करता है फ्रॉम वेयर इज सीइंग ऑल दिस थिंग वो कहां से इस सब बातों को देख रहा है इतना पास होता जीसस फ्रॉम वेयर इज सीइंग ऑल दिस थिंग यीशु इन सब बातों को कहां से देख रहा है सरकार कितना पास होता स्टैंडिंग बिहाइंड इन द लास्ट रो और पीछे खड़े होते हुए आखिरी आखिरी लाइन में खड़े होते हुए देख रहा है लोकान से माँ के एकदम शेवट ओरी मे तो उभा पाहत होता वो स्टैंडिंग बिहाइंड द लास्ट रो इज लुकिंग एट जॉन द बैप्टिस्ट एंड व्हाट ही वाज प्रीचिंग और आखिरी जगह और पीछे आखिरी रो में खड़े होते हुए यूना बपतिस्मा देने वाला क्या प्रसार कर रहा है इसको यीशु देख रहा है शेवट ओरी मे उभा रहा हूँ बपतिस्मा देना यूहान काय करता है तो पाहत होता Jesus is a God. यीशु मसीह वो परमेश्वर है यीशु क्रिस्त का प्रभु है But he didn't come in front. और वो आगे नहीं आया तो पूरे आला नहीं He can come in front and stand and directly can see the John standing face to face. और वो आगे आकर खड़ा रह सकता है और योना को आमने सामने देख सकता है तो पूरे अनुभव रहू शुक्ला था पूर्ण तो योहान बपतिस्मा देने वाला पहू शुक्ला था बिकॉज जॉन द बैप्टिस्ट वॉज हिज कजन क्योंकि योना बपतिस्मा देने वाला उसका भाई था कारण योहान बपतिस्मा देना रहा तो सुलभ भाव होता बट जीसस ही वाज स्टैंडिंग बिहाइंड पर यीशु वो पीछे खड़ा हुआ यीशु माघी उधर आया ही वाज स्टैंडिंग बिहाइंड ही वाज स्टैंडिंग बिहाइंड वो पीछे खड़ा था एकदम माघी उधर आया प्रेस फॉर द होली नेम ऑफ गॉड परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो पवित्र नाम की स्तुति हो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन लर्न इसमें से हम क्या पढ़ सकते हैं इसके द्वारा अपन का सीखते हो बिलॉव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड अप्रिय परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर से मिलाना इन योर पर्सनल लाइफ आपके व्यक्तिगत जीवन में फैमिली लाइफ आपके पारिवारिक जीवन में कौटुंबिक जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ आपके आत्मिक जीवन आत्मिक जीवन में इफ यू वांट टू बी फ्रेश ऑलवेज यदि आप हमेशा ताजा रहना है तो यही भी तुम्हारा ताजा रहते हैं तो इफ यू वांट टू बी फ्रेश इफ यू वांट टू बी न्यू ऑलवेज क्या यदि आप नया होना है ताजा हमेशा रहना है तो यही नवीन और ताजा रहते हैं तो स्टे बिहाइंड आप पीछे रहिए यही मांगे रहा स्टे बैक आप पीछे रहिए यही मांगे रहा डोंट ट्राई टू बिकम फेमिलियर आप मशहूर होने के लिए आग्रह ना करो जैसे प्रसिद्धि प्राप्त करने से भी तुम्हें आग्रह करो नका डोंट ट्राई टू कम डोंट ट्राई टू बिकम फेमिलियर आप मशहूर होने के लिए आग्रह ना करो प्रसिद्धि होने से भी तुम्हें आग्रह करो नका डोंट ट्राई टू बिकम ग्रेट स्टैंडिंग इन फ्रंट आप आगे आकर बड़ा होने के लिए ना सोचे पूरे उधर आओ मोटे होने से भी तुम्हें विचार करो नका यस बिलॉव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड आप ये परमेश्वर के पास
Jesus, he was standing back. यीशु मसीह पीछे खड़ा है तो माथे उधर है ना. He was standing back and looking at the John the Baptist what he was preaching. वो पीछे खड़ा होकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या प्रचार कर रहा है इसको देख रहा था. यीशु माथे उधर रहा है बात तक कि यहाँ बपतिस्मा लेना रहा यूहन्ना काय प्रचार कर रहा है. Beloved child of God. प्रिय परमेश्वर के बच्चे. परमेश्वर से मिलानो. If you try to become familiar. यदि आप मशहूर बनने के लिए कोशिश करेंगे तो उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त करने से प्रयत्न करता. If you try to reveal yourself that what you are. यदि आप अपने आप को प्रकट करने के लिए कोशिश करेंगे तो स्वतः प्रकट करने से इच्छा करता. पीपल वन टाइम विल कम पीपल विल कीप योर साइड. एक समय आएगा जब लोग आपके एक बाजू में रख देंगे. एक अच्छी वेल की लोग तुम्हारा सेवा बाजू करती. पीपल विल मेक यू लेस. लोग आपको कम कर देंगे. कुछ तुम्हारा कमी कर दी. पीपल विल कीप यू इन द स्टेट ऑफ ऑब्सक्यूरिटी. और लोग आपको एक कोने में रख देंगे. लोग तुम्हारा कुपरा तक दी. दे विल काउंट यू एज ए अननोन पर्सन. आपको एक अनजान व्यक्ति होकर गिनेंगे. अनोखी मनत करती. बिलावत चाइल्ड ऑफ गॉड. प्रिय परमेश्वर के परमेश्वर से मिलानो. वी हैव टू वेट फॉर द टाइम अंटिल आवर ग्रेटनेस इज रिवील्ड. हम उस समय तक इंतजार करना है जब तक परमेश्वर हमें महान न बनाए. जिस पर्यंत आपले गौरव प्रकट होत नाही. यस या वी हैव टू वेट फॉर द टाइम अंटिल आवर ग्रेटनेस इज रिवील्ड बाय समवन. और किसी के द्वारा हमारी महानता प्रकट होने तक हम इंतजार करना है. परंतु कोणाचे द्वारा आपली श्रेष्ठता प्रकट होत नाही तिथपर्यंत आपण वाट पाहायची आहे. वी शुड नॉट रिवील अवर ग्रेटनेस. हम अपने महानता को प्रकट नहीं करना है. आपण श्रेष्ठता कधीच प्रकट करू नये. डोंट ट्राई टू बिकम फेमिलियर. हा मशहूर होने के लिए कोशिश ना करो. प्रसिद्धित होण्यासाठी आपण प्रयत्न करू नये. दॅट्स व्हाट वर्ड ऑफ गॉड से. परमेश्वर का वचन कहता है. वचन म्हणते इन फर्स्ट पीटर चैप्टर 5:4-6. पत्रस 5:4-6 पढ़ेंगे. पहला पत्र 4:5-6 असिया. प्लीज रीड दैट वर्स. वचन पढ़ें. रीड इन हिंदी. 4:5. चैप्टर 5 फर्स्ट पीरियड चैप्टर 5:4-6. पहला पत्रस 5:4-6. पहला पत्र 5:4-6. जो प्रभु रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं. इस प्रकार ए नवयुवको तुमने प्राचीनों के अधीन रहो परंतु सब की सब एक दूसरे की सेवा के से कमर बांधे कि परमेश्वर का पथ करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए. Humble yourself therefore under the mighty hand of God that he may exalt you in the due time. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन दास रहो जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए. म्हणून देवाच्या पराक्रमी हाताखाली लीन व्हा यासाठी की त्याने योग्य वेळी तुम्हास उंच करावे. Until the time comes we have to humble ourselves under the mighty hand of God. वो समय आने तक हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहना है. आणि प्रभूचा वय येई पर्यंत आपण प्रभूचा हाताखाली लीन व्हायचा आहे. We have to wait until the time comes. वो समय आने तक हमें इंतजार करना है. आणि येई पर्यंत आपण वाट पाहायची आहे. This is a test in our life. ये हमारे जीवन में एक परीक्षा है. आणि हीच आपल्या जीवनात एक परीक्षा आहे. We have to wait for a time. हम उस समय के लिए इंतजार करना है. साथी वाट पाहायची आहे. We have to wait for a due time. और उस समय के लिए हमें बात जोड़ना है. आपके जीवन के हर एक क्षण पर जीवनातील प्रत्येक वेळेमध्ये आपके जीवन के हर एक क्षण पर जीवनाच्या प्रत्येक परिस्थितीमध्ये परमेश्वर के समय के लिए हमें बात जोड़ना है. ज्या वेळेसाठी आपण वाट पाहायची आहे. परमेश्वर के पवित्र नाम की गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर 1:8. मार्कुस सुसमाचार 1:8 में. मार्क वर्तमान 1:8 वचन. प्लीज रीड इन हिंदी. हिंदी में पढ़े. मार्क 1:8. मार्कुस 1:8. मार्क 1:8. मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा. I indeed have baptized you with water, but he shall baptize you with the Holy Ghost.
मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा. मी तुमचा बपतिस्मा पाण्याने केला आहे तो तुमचा बपतिस्मा पवित्र आत्म्याने करणार आहे. यस इन द सेवंथ वर्स वी आर रीडिंग दैट और सातवें वचन में हम पढ़ते हैं. सातवें वचन में अपन वाचतो जॉन इज सेइंग और यूहन्ना कहता है म्हणतो दे कमथ वन माइटी देन आई टू मी मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है आणि माझे नंतर तो येणार आहे तो जास्त सामर्थ्य आहे. लेट द फुशू आई एम नॉट वर्थी टू स्टूप डाउन एंड लूज मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का दांत खोलूं. तो पायदाना सा बंद लावन दे सोडविना साठी सुद्धा मी पात्र नहीं. नाउ जॉन द बैप्टिस्ट बीइंग इन रिवर जॉर्डन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यर्दन नदी पर था. बपतिस्मा देना रहा योहान यर्दन नदी में होता. यस बीइंग इन रिवर जॉर्डन इज स्पीकिंग अबाउट जीसस. यर्दन नदी पर खड़े होते हुए यीशु मसीह के बारे में वो बोल रहा है. यर्दन नदी में रहा तो यीशु क्रिस्त बदल संगत है. ही इज टेलिंग दैट आई एम नॉट वर्दी. वो बोलता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ. आणि तो म्हणतो की मी तसा पात्रच नाही. ही इज टेलिंग दैट द वन हू इज आफ्टर कमिंग आफ्टर मी ही इज ग्रेटर माइटी देन मी. वो कहता है मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है. आणि तो म्हणता है की माझ्या नंतर ते येईल तो जास्त समर्थ आहे. आई एम बैप्टाइजिंग विद वॉटर बट ही विल बैप्टाइज यू विद होली स्पिरिट. अब मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा. कि मैं तुमसे बपतिस्मा पाने करीन पर तो तुमसे बपतिस्मा पवित्र आत्मा ने करीन. योर प्रेस फॉर द होली नेम ऑफ गॉड. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. तो पवित्र नाम से गौरव हो. जॉन द बैप्टिस्ट स्टैंडिंग इन रिवर जॉर्डन. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यर्दन नदी पर खड़े हुए. बपतिस्मा देना रहा यूहन्ना यर्दन नदी में उभर रहा हूँ. यस स्टैंडिंग इन रिवर जॉर्डन इज स्पीकिंग अबाउट जीसस. हाँ यर्दन नदी पर खड़े होते हुए यीशु मसीह के बारे में वो बोल रहा है. यर्दन नदी में उभर रहा हूँ तो यीशु क्रिस्त बदल संगत होता. रिवर जॉर्डन हैज अ ग्रेट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. और इस यर्दन नदी को बहुत अच्छे अनुभव है. आणि या यर्दन नदी मध्ये अनेक अनुभव आहे. दिस इज अ जॉर्डन विथ जोशुआ क्रॉस दैट रिवर जॉर्डन. ये वही यर्दन है जिसको यहोशू ने पार किया था. तीस यर्दन नदी है ज्याला यहोशू ने त्यांनी पार केला होता. दिस इज अ जॉर्डन वेर द हाई वेर द प्रीस्ट टुक द आर्क ऑफ कवेनेंट ऑन द शोल्डर एंड स्टूड इन द रिवर जॉर्डन. और ये वही यर्दन है जहाँ पर याजक लोग वाचा के संदूक को अपने कंधे पर लेते हुए यर्दन के बीच में खड़े हुए. ही तीस यर्दन नदी आहे जिथे याचकांनी कराराचे कोष घेऊन त्याच्या मधोमध उभे राहिले. दिस इज अ जॉर्डन वेर पीपल ऑफ इस्राएल टूक द 12 स्टोन्स स्मूथ स्टोन्स. और ये वही यर्दन है जहाँ पे इस्राएली लोगों ने 12 पत्थर लेकर खड़ा किया. ही तीस यर्दन नदी आहे ज्याच्या मधून इस्राएल लोकांनी 12 गोत्रांसाठी 12 दगड त्यांनी त्याच्या मधून काढले. यस नाउ जॉन स्टँडिंग इन दिस रिवर जॉर्डन इज स्पीकिंग अबाउट लॉर्ड जीसस. अभी यूहन्ना इस यर्दन में खड़े होते यीशु मसीह के बारे में कह रहा है. सात यर्दन नदी मध्ये योहान उभा रहा हूँ यीशु क्रिस्त बदल संगत आहूँ. यस बिलावर चाइल्ड ऑफ गॉड. हाँ प्रिय परमेश्वर के बच्चे. प्रिय परमेश्वर से मिलो. जॉन स्पीकिंग अबाउट दिस रॉक. हालेलुया. यीशु इस चट्टान के बारे में कह रहा है. यीशु क्रिस्त का खड़का बदल बोलता है. जॉन इज स्पीकिंग अबाउट जीसस. यूहन्ना यीशु के बारे में कह रहा है. यीशु क्रिस्त जो खड़का है तो बदल संगत है. डिक्लेयरिंग द नेम ऑफ जीसस. यूहन्ना यीशु मसीह के नाम को बोल रहा है. योहान जो है तो यीशु क्रिस्त से नाम वाला संगत है. जॉन इज डिक्लेयरिंग अबाउट दिस स्टोन जीसस. और यूहन्ना इस पत्थर यीशु मसीह के बारे में कह रहा है. यीशु क्रिस्त जो खड़का है तो बदल संगत है. यस बिलोवड चाइल्ड ऑफ गॉड. हाँ प्रिय परमेश्वर के बारे में कह रहा है. ऑल दोस हू प्रोक्लेम ऑल दोस हू डिक्लेयर द नेम ऑफ जीसस. और जितने लोग चाहता करते जितने लोग यीशु के नाम का घोषणा करते हैं वही यीशु क्रिस्त से नाम वाला अंगीकार करता है. तो संता ओ दे विल बी ग्रेट इन द किंगडम ऑफ गॉड. वो परमेश्वर के राज्य में महान हो रहे हैं. राज्य में श्रेष्ठ होती है. That's why Jesus says that no one is greater than John the Baptist in the kingdom of God. इसलिए यीशु कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर कोई भी परमेश्वर के राज्य में महान नहीं है. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पेक्षा कोई भी स्वर्ग राज्य में श्रेष्ठ नहीं. Beloved child of God. प्रिय परमेश्वर के बच्चे. परमेश्वर से मिला लो. If you declare the name of Jesus. यदि आप यीशु के नाम का घोषणा करेंगे. यीशु क्रिस्त से नाम घोषणा करता. If you proclaim the name of Jesus. यदि आप यीशु मसीह के नाम को बताएंगे. यीशु क्रिस्त से नाम वाला तुम्हें सांता. If you speak about Jesus. यदि यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे. यीशु क्रिस्त बदल तुम्हें बोलता. If you preach about Jesus. यदि यीशु के बारे में प्रचार करेंगे. यीशु बदल तुम्हें प्रचार करता. Child of God. प्रिय परमेश्वर के बच्चे. परमेश्वर से मिला लो. You will be great in the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य में महान होंगे. उत्तर राज्य श्रेष्ठ वाल. Yes, beloved child of God. आप प्रिय परमेश्वर के बच्चे. This rock is our strength. ये चट्टान हमारा बल है. खड़क चाहे तो अपने बड़ा है. This rock is our salvation. ये चट्टान हमारा
आधार है, सड़क अपने तारण है, His rock is our might, hallelujah. हे जतन हमारा महिमा है, हे खड़क है तो अपने सामर्थ्य है, His rock is our hiding place. और हे जतन हमारा छिपने का स्थान है, सड़क अपने लपने से स्थान है, Yes, beloved child of God. आप ये परमेश्वर को परमेश्वर से मिला ना, All those who speak about this rock. और जितने भी लोग इस शैतान के बारे में बात करेंगे, खड़का बदल सकता है, The rock which is not movable. और ये शैतान से कभी भी नहीं होता, ऐसा खड़का ऐसे कभी हलत नहीं, The rock which is tried. और जिस शैतान से खड़ा है, और यहाँ खड़ा से परीक्षा चल रहा है, which is rejected. और जो शैतान उसकी परीक्षा की जा रही है, खड़क तो ऐसे तुच्छ लिख रहा है, The stone which is rejected. और जो शैतान उसको तुच्छ जाना चाहता है, यहाँ खड़क चला नाकार ले लिया है, The stone which is being laid as a cornerstone in Zion. और जो पत्थर सियोन की नींव पत्थर होकर डाला गया है, वो खड़क कौन शिला मनन है, The stone which is sure and foundation stone. और जो पत्थर वो नींव का पत्थर है, अरे जो खड़क जो पाया है, Those who preach about this stone. और जो इस पत्थर के बारे में प्रचार है, कौन यह खड़क का बदला प्रचार करेगा, Those who preach about this rock. और जो इस शैतान के बारे में प्रचार करेगा, कौन यह खड़क का बदला प्रचार करेगा, Those who declare the name of Jesus. और जो यीशु के नाम का घोषणा का यीशु कृष्ण के नाम से घोषणा करेगा, दे विल बी ग्रेट इन हिज किंगडम. हाँ, वो उसके राज्य में महान हो, प्रभु के राज्य श्रेष्ठ तीन, प्रेज़ टू द होली नेम ऑफ गॉड. परमेश्वर के पवित्र नाम में बिलॉव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, और प्रिय परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर से मिला ना, हु स्पीकिंग अबाउट दिस जीसस नाउ, कौन यीशु के बारे में भी बोल रहा है, मतलब कौन संगता है, हु स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, कौन संगता है, कोई बोल सकता है, यीशु के बारे में कौन बता रहा है, मतलब कौन संगता है, John. Yohana. Yohan. Now John is making Jesus familiar. अब यूहन्ना यीशु को मशहूर बना रहा है, यूहन चाहे तो यीशु से प्रसिद्धि करता है. Before Jesus was unknown to people. इसके पहले यीशु मसीह को कोई जानता नहीं था, अभी यीशु क्रिस्त को कोई ओळखत नव्हता. Now from obscurity, now Jesus has come to the state of notoriety. अभी यीशु मसीह जो अनजाने के अनुभव से लेकर अभी जानने वाले उस अनुभव में आ गया है, तो यीशु क्रिस्त अनोखा उपस्थित होना था, तो ओळखीचा उपस्थित आला. Yes, beloved child of God. हाँ, प्रिय परमेश्वर हो भैया परमेश्वर से मिलानो. For Jesus to become famous, familiar, there was a time. यीशु को मशहूर और प्रसिद्ध होने के लिए एक समय था. यीशु क्रिस्त से प्रसिद्ध होने सभी क्रिया होती. Jesus was waiting until the time. यीशु मसीह उस समय तक बात हो रहा था. वे परंतु यीशु क्रिस्त ने बात पहली. Yes, beloved child of God. हाँ, प्रिय परमेश्वर से मिलानो. Even in our faith life. हमारे विश्वास जीवन में, अपना विश्वास जीवन मध्य सुधा, वी हैव टू वेट अंटिल द टाइम कम्स. हम उस समय आने तक इंतजार और बात होना है, यही परंतु अपन बात पहुंचे आए. इन वर्स 9 एंड 10 इन गॉस्पल ऑफ मार्कस इन चैप्टर 1 वी रीड, मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय का 9 और 10 वचन में पढ़ते हैं, पहला अध्याय 9 और 10 में पढ़ते हैं. एंड इट केम टू पास इन दोस डेज दैट जीसस केम फ्रॉम नाज़रेथ ऑफ गैलिली एंड वाज बैप्टाइज्ड ऑफ द जॉन इन जॉर्डन. उन दिनों में यीशु ने गलील के नासर से आकर यर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया. त्या दिवसा कसे झाले की यीशु गलीलातून नासरीतून आला आणि यूहन्नाच्या हातातून त्यांनी यर्दनात बपतिस्मा घेतला. एंड स्ट्रेटवे कमिंग अप, जब वो जल से निकलकर ऊपर आया, आणि लागला तेव्हा तो पाण्यातून वर आला. एंड स्ट्रेटवे कमिंग अप आउट ऑफ द वॉटर, जब वो जल से निकलकर ऊपर आया, आणि लागले पाण्यातून वर येताना, एंड ही सॉ द हेवन ओपन एंड द स्पिरिट लाइक अ डव डिसेंडिंग अपॉन हिम, तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा. आकाश विदरले आहे व आत्मा कबूतरासारखा आपल्यावर उतरत आहे असे त्याला दिसले. या जीसस was coming up of up out of water. यीशु उस जल से निकलकर ऊपर आया. यीशु तो पाण्यातून तो वर आला. नाउ जीसस हैज टेकन वॉटर बैप्टिज्म. अब यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया. यीशु ने पाण्याचा बपतिस्मा घेतला आहे. आफ्टर टेकिंग वॉटर बैप्टिज्म. और पानी का बपतिस्मा लेने के बाद, पाण्याचा बपतिस्मा घेतल्यानंतर, जीसस वॉज स्टेपिंग आउट. यीशु जल से निकलकर बाहर आया. यीशु पाण्यातून बाहेर आला. जीसस वॉज स्टेपिंग आउट ऑफ वॉटर. यीशु उस जल से निकलकर, उस पानी से निकलकर आया. यीशु त्या पाण्यातून तो बाहेर आला. In this convention we have the water baptism service. और सम्मेलन में पानी के बपतिस्मा का सेवा है. सम्मेलनामध्ये पाण्याचे बपतिस्मा ची सेवा सुद्धा आहे. All those who have a doubt of water baptism. और जितने लोगों को पानी के
बपतिस्मे के बारे में एक शक है आणि ज्या लोकांना पाण्याच्या बपतिस्मा बद्दल एक शंका असेल इन क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस डिफरेंट डॉक्टर दे हैव डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स फॉर वॉटर बैप्टिज्म और मसीही कई मसीही जगह पे पानी के बपतिस्मे के बारे में अलग अलग विचार है आणि ख्रिस्ती लोकांमध्ये पाण्याच्या बपतिस्मा बद्दल वेगवेगळे उपदेश आहेत यू क्लियरली व्हॉट आई वाज सेइंग दैट जीसस टूक वॉटर बैप्टिज्म एंड ही वाज कमिंग आउट ऑफ वॉटर यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा है यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और वह जल से निकलकर ऊपर आया अनेकले स्पष्ट रीति ने लिखा किया है कि यीशु क्रिस्ताने पाण्याचे बपतिस्मा घेऊन तो यर्दन नदी मधून तो बाहर आला जीसस वाज स्टेपिंग आउट ऑफ वॉटर यीशु मसीह वो जल से निकलकर बाहर आया यीशु क्रिस्त तो पाण्यातून तो वर आला सम पीपल ऑफ गॉड दे थिंक दैट कुछ परमेश्वर के लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु जी लोग कहते ऐसा विचार करता है जो बिलीव इन जीसस जो यीशु पर विश्वास करते हो यीशु ने विश्वास करीता जो बिलीव इन द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉटर बैप्टिज्म और जो लोग पानी के बपतिस्मे के उपदेश पर विश्वास करते हैं जो पानी के बपतिस्मा के उपदेश पर विश्वास करीता और जितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया और जो लोगों ने पानी से बपतिस्मा घेतला आहे आई थिंक दैट आफ्टर टेकिंग वॉटर बैप्टिज्म Surely God will bless me. वो सोचते कि पानी का बपतिस्मा लेने के बाद जरूर परमेश्वर मुझे आशीष करेगा त्यांना असं वाटतं की पाण्याचा बपतिस्मा घेतल्यानंतर नक्कीच प्रभू मला आशीर्वादित करील बिकॉज आय हॅव बिकम हिज चाइल्ड क्योंकि मैं उसका बच्चा बन गया है आता त्याचं मूल झालं आहे आय बिकेम हिज सन और डॉटर अभी मैं उसका पुत्र या पुत्री बन गया है आता मी त्याचा पुत्र आणि कन्या झालो आहे प्रेस फॉर द होली नेम ऑफ गॉड परमेश्वर की पवित्र नाम का नाम असो बिलॉव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड प्रिय परमेश्वर के बहिया परमेश्वर से मिलानो नाउ जीसस व्हेन ही वाज स्टेपिंग आउट ऑफ वॉटर जब यीशु उस जल से निकलकर बाहर आया यीशु ख्रिस्त त्या पाण्यातून वर आला गॉड द फादर इज सेइंग दैट ही इज माय बिलॉव्ड सन पिता परमेश्वर कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है ना पिता परमेश्वर म्हणतो की हाच माझा प्रिय पुत्र आहे हू शुड से दैट यू आर हिज सन और डॉटर कौन बताना चाहिए कि आप उसके पुत्र या पुत्री आहे कौन म्हटलं पाहिजे की तू माझा प्रिय पुत्र आणि प्रिय कन्या आहे यू योर सेल्फ शुड नॉट डिसाइड दैट यू आर हिज सन और डॉटर आप अपने आप फैसला नहीं करना चाहिए की आप उसके पुत्र या पुत्री है आपण स्वतःहून असा निर्णय करू नये की आपण तसेच प्रिय पुत्र आणि प्रिय कन्या आहे गॉड द फादर ही should declare that he is my beloved son he is my beloved daughter pita parmeshwar kehna chahiye ki ye mera priya putra hai ye mera priya putri hai pita parmeshwar ne aisa matlab kaise ki ha mera priya putra hai priya kanya hai praise to the holy name of god parmeshwar ki pavitra naam ki mana ho so beloved child of god priya parmeshwar ki mera parmeshwar se milana jesus is stepping out of water abhi yeshu jal se nikal kar bahar aaya yeshu krist paanyatun var aala every day we should pray for every step of our life हर दिन हम हमारे हर एक कदम के लिए प्रार्थना करना चाहिए अपन अपने जीवन में प्रत्येक पावलावरती अपन प्रार्थना के लिए पाहिजे हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेइंग फॉर एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ आपके जीवन के हर एक कदम के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं जीवन का प्रत्येक पावलासाठी किती लोग प्रार्थना करत आहेत एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ फॉर एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ हाउ मेनी ऑफ योर प्रेइंग एवरी डे आपके जीवन के हर एक कदम के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं अपने जीवन का प्रत्येक पावला साठी किती लोक प्रार्थना करत आहे मेनी ऑफ अस वी प्रे फॉर अ गुड स्टेज और हम में से हर एक लोग अच्छे अवस्था के लिए प्रार्थना करते हैं आपल्या मधील अनेक लोक चांगल्या अवस्थेसाठी आपण प्रार्थना करतो मेनी ऑफ अस वी प्रे फॉर अ गुड प्लॅटफॉर्म हाँ अच्छा एक जगह मिलने के लिए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं अपने एक चांगले मंच मिलना सभी अपने प्रार्थना करी तो मेनी ऑफ अस वी प्रे फॉर अ गुड पोजिशन और अच्छा एक एक पदवी आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं अपने चांगली पदवी मिलने से भी अपन प्रार्थना करी तो होली नेम ऑफ गॉड परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा से गौरव सो बिलॉव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड प्रिय परमेश्वर के पास प्रिय परमेश्वर से मिलानो आपके अच्छा एक अवस्था के लिए आप प्रार्थना न करो अगला मंच से भी अपन प्रार्थना करो डोंट प्रे फॉर अ गुड प्लेटफॉर्म और अच्छा पदवी के लिए प्रार्थना न करो मंच से भी प्रार्थना करो नहीं फॉर एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ आपके जीवन के हर एक कदम के लिए आप प्रार्थना करो जीवन से प्रत्येक पावला से भी प्रार्थना करिया बिलॉव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड परमेश्वर का वचन कहता है उसके वचन से मनते इन बुक ऑफ जो इन साम्स 37 वी रीड दैट भजन संहिता 37 में हम पढ़ते हैं पवित्र संहिता 37 में अपन वाचतो साम्स 37 वर्स 23 भजन संहिता 37 का 23 पवित्र संहिता 37 का 23 वचन प्लीज रीड दैट वर्ड इन हिंदी वो वचन पढ़ेंगे हिंदी में मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है
और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। या प्रेस टू द होली नेम ऑफ गॉड, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो, पवित्र नाम से गौरव हो। या व्हाट साइमिस इज सेइंग ओवर हियर, यहाँ पे वचन लिखने वाला क्या कहता है, स्तोत्र लिखना का काम मिलते प्लीज रीड इट वंस अगेन, एक बार और पढ़े। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। द स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉ, मनुष्य की गति यह है कि ओर से दृढ़ होती है, एंड ही डिलाइटेड इन हिज वे, और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है, अच्छा मार्ग चला प्रिय है। स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन, और एक व्यक्ति का जो चाल चलन है, एक चांगला मनुष्य की गति असते, स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति का जो कदम है, एक चांगला मनुष्य जो पाउल असते, ऑर्डर्ड बाय गॉड, वो परमेश्वर की ओर से दृढ़ होती है, उसके द्वारे आई, एंड ही विल डिलाइट इन हिज वे, और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है, तो प्रसन्न होता है। यस बिलोव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, आप ये परमेश्वर के परमेश्वर से मिलाना, वी शुड प्रे फॉर एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ, हमारे जीवन के हर एक कदम के लिए हमें प्रत्येक पावलासाठी आपण प्रार्थना केली पाहिजे। इफ यू प्रे फॉर एव्हरी स्टेप ऑफ युअर लाईफ, यदि आपके जीवन के हर एक कदम के लिए आप प्रार्थना करत असाल, जीवनाच्या प्रत्येक पावलासाठी आपण प्रार्थना केली तर, फाइनली गॉड विल लीड यू टू अ गुड प्लॅटफॉर्म, और उसके बाद परमेश्वर एक अच्छे जगह पे आपको लेके जाएगा, नक्कीच शेवटी आपल्याला एक चांगल्या ठिकाणी तक घेऊन जाईल। यस बिलोव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, आप प्रिय परमेश्वराचे मुलांनो, प्रे फॉर एव्हरी स्टेप ऑफ युअर लाईफ, आपके जीवन के हर एक कदम के लिए प्रार्थना करा, आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक पावलासाठी प्रार्थना करा, फास्ट फॉर एव्हरी स्टेप ऑफ युअर लाईफ, आपके जीवन के हर एक कदम के लिए उपवास लेना, जीवनाच्या प्रत्येक पावलासाठी उपवास घ्या। यस बिलोव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, आप प्रिय परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वराचे मुलांनो, एव्हरी स्टेप ऑफ युअर लाईफ शुड बी अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, आपके जीवन के हर एक कदम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है ना, जीवनाच्या प्रत्येक पावलासाठी तो प्रभु की इच्छा अनुसार असलं पाहिजे। एव्हरी स्टेप ऑफ युअर लाईफ देयर शुड बी अ ग्लोरी ऑफ गॉड, आपके जीवन के हर एक कदम में परमेश्वर की महिमा दिखाई दे, जीवनाच्या प्रत्येक पावलामध्ये प्रभु से गौरव दिसले पाहिजे। Jesus was stepping out of water. जब यीशु जल से बाहर निकल रहा था, यीशु क्रिस्त के पानी पर वर आला। Heavens were opened. आकाश खुल गए। आकाश बदले। Father was speaking. और पिता बात कर रहा था। पिता बोले तो था। There was a voice of God. वहाँ पे परमेश्वर का वाणी हुआ। प्रभु की वाणी सुनी। There was the power of God. वहाँ पे परमेश्वर का सामर्थ्य था। प्रभु के सामर्थ्य से। There was the glory of God. वहाँ पे परमेश्वर का महिमा था। प्रभु से गौरव था। There was the Holy Spirit. वहाँ पे पवित्र आत्मा था। पवित्र परमेश्वर का बल सीखा परमेश्वर परमेश्वर आपके जीवन के हर एक प्रत्येक पावला मध्ये ग्लोरी ऑफ गॉड, आप परमेश्वर का महिमा होली पाहिजे, परमेश्वर का मर्जी होना शक्तिशाली पाहिजे, पावर ऑफ गॉड, आप परमेश्वर का सामर्थ्य होना सामर्थ्य असली पाहिजे, वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर का वाणी होना है, उसकी वाणी असली पाहिजे, देयर शुड बी अ ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर का महिमा होना चाहिए, उसकी गौरव असली पाहिजे, बिलोव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, प्रिय परमेश्वर के प्रिय परमेश्वर का मानो इन योर लाइफ, आपके जीवन में हर दिन प्रार्थना से प्रतिदिन प्रे फॉर अ गुड स्टेप, ऐसे ही कदम के लिए प्रार्थना करना, कौलम से भी प्रार्थना करा, एवरी स्टेप ऑफ ए गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय गॉड, और मनुष्य की गति यह कि वह उसे दृढ़ होती है, मनुष्य की गति से आज प्रभु करना से, यस बिलोव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, आप ये परमेश्वर के भैया परमेश्वर से मिलाना, जीसस ही वाज स्टेपिंग आउट ऑफ वाटर, यीशु मसीह वो पानी से निकल रहा था, यीशु क्रिस्त पानी पर वर आला, नाउ वेयर इज जीसस, अभी यीशु कहाँ है, यीशु कुठिया है, कैन एनीवन आंसर मी वेयर इज जीसस नाउ, कोई बता सकता है यीशु अभी कहाँ है, कोई उत्तर दे सकता है, यीशु कुठिया वहाँ है, वो कहाँ पर खड़ा है, इन वाटर वेयर ही वाज, वो कहाँ पर था, तो कुछ होता तो पानी था, तो जल पर था, ही वॉज कमिंग आउट ऑफ वाटर, अब वो जल से निकल कर आया, तीन वर आना, ही वॉज इन वॉटर, वो जल पर था, राजन सुधा पानी तो छूता, इवन जॉन वॉज इन वॉटर, और योना भी जल पर था, योहान सुधा पानी छूता, नाउ वी कैन सी वी कैन सी व्हेन आवर पास्टर्स दे गिव वाटर बैप्टिज्म, द वन हु इज टेकिंग वाटर बैप्टिज्म एंड पास्टर दे बोथ आर इन वॉटर, और जब हमारे पास्टर जी भी पानी का बपतिस्मा देते हैं, हम देख सकते हैं कि जो बपतिस्मा लेने वाला है और वो पास्टर जी दोनों वो जल के अंदर है, अपन चाहते पानी से बपतिस्मा देता ना, पास्टर जो है तो पानी असतो, और ज्यांनी बपतिस्मा घेतला है तो सुद्धा पानी असतो, दोघे जण पानी असतात, बोथ विल बी वेट इन वॉटर, और दोनों उस जल में वो गीले हो गए, दोघे जण त्या पानी मध्ये भिजले आहेत, या Now John and Jesus, they are wet in water.
अभी योहना और यीशु वो दोनों पानी से घिरे होते हैं योहान और यीशु दोनों से ना पानी नहीं थे भिजे आए वी कैन सी वेट जॉन एंड वेट जीसस हम देख सकते हैं कि घिरे हुआ योहना और घिरे हुआ यीशु है तो एक दूसरे ला योहान और एक दूसरे ला यीशु ला अपन पाते हैं वी कैन सी हो यर वेट जॉन एंड वेट जीसस हम यहाँ पर घिरे हुआ योहना और घिरे हुआ यीशु को देख सकते हैं अपन एक दूसरे ला योहान ला और एक दूसरे ला यीशु ला अपन पाते हैं द सेम जॉन एंड जीसस दे वर वंस वेट इन द मदर्स वूम ये वही योहना और यीशु थे जो अपने माँ के गर्भ में वो गीले हुए अनेक काई योहान और यीशु जो है ते दोगो जना माते से गर्भा मदे ते ओले होते दे वर फाउंड इन वाटर वो जल में दिखाई दिए वही से ते पानत होते इन मदर्स वूम दे वर फाउंड इन फ्लूइड और अपने माँ के गर्भ में उस पानी के अंदर दिखाई दिए माते से गर्भा मदे ते पानी मदे ते होते इन मदर्स वूम दे वर फाउंड इन फ्लूइड और उसके उनके माँ के गर्भ में उस पानी में वो दिखाई दिए दो जना माते से गर्भा मदे ते पानी होते बिलावत चाइल्ड ऑफ गॉड प्रिय परमेश्वर से मिलन व्हेन मैरी एंड एलिजाबेथ दे मेट टुगेदर जब मरियम और एलिजाबेथ दोनों एक साथ मिले ना मरियम और एलिजाबेथ दो जना एक काला भेट ले स्पिरिट ऑफ गॉड केम अपॉन एलिजाबेथ और परमेश्वर का आत्मा एलिजाबेथ के ऊपर उतरा प्रभु का आत्मा एलिजाबेथ पर उतरला स्पिरिट ऑफ गॉड केम अपॉन जॉन व्हेन ही वाज इन मदर्स वूम वेट और परमेश्वर का आत्मा योहना के ऊपर उतरा जब वो अपने माँ के घर में था पवित्र आत्मा योहना वरती तेना उतरला जेवा तो माते का घर बात दुसरेला होता व्हेन द स्पिरिट ऑफ गॉड केम अपॉन हर देयर वाज अ प्रोफेसी और जब परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया वहाँ पे एक भविष्यवाणी पवित्र आत्मा उतरला तेना तिकडे भविष्यवाणी झाली ही वन नाउ जॉन एंड जीसस दे आर वेट In John, even in River Jordan. Adibi, Isu, or Yohana, dono us Yordan nadi mein ghile hoge. Ikle suda Yohana ni Yehu Isu saay se dogo suna Yordan nadi mein bhusle aaye. The Spirit of God came in the form of a dove. और परमेश्वर का आत्मा एक कबूतर के माने उतरा अनि प्रभु का आत्मा तो है तो कबूतर प्रमाणे उतरला होली स्पिरिट केम अपॉन जीसस और पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरा अनि पवित्र आत्मा यीशु वत उतरला यस बिलावड चाइल्ड ऑफ गॉड हां प्रिय परमेश्वर के प्रिय परमेश्वर से मिलानो दिस प्लेस इज द प्लेस ऑफ रीबर्थ अनि ही जगह है एक नव जीवना की जगह है ये वो जगह है जहाँ पे नया जीवन हुआ दिस प्लेस इज अ प्लेस ऑफ रीशेपिंग ऑफ आवर लाइफ अनि ही जी जगह है की अपना रूपांतर करनी जगह है जगह हमारे रूपांतर होने का जगह है प्लीज द प्लीज इज रीबिल्डिंग अवर लाइफ और ये वही जगह है जहाँ पे परमेश्वर हमें रूपांतर कर रहा है ये जगह जी प्रभु अपने पर टिकड़े बांधते यस बिलावड चाइल्ड ऑफ गॉड प्रिय परमेश्वर प्रिय परमेश्वर से मिलानो लिसन अंटिल वेरीली वेरीली आई से दैट Unless until you are baptized with water and spirit, you can't enter into the kingdom of God. मैं सच सच कहता हूँ जब तक पानी और आग से और आत्मा से जन्म नहीं लेते हो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। तुम्हारा खर खर संगत जितपर्यंत तुम्हें पानी से बपतिस्म घेत नहीं पवित्र आत्मा से अभिषेक प्राप्त करत नहीं तुम्हारा प्रभु के राज में प्रवेश नहीं Yes, beloved child of God. हाँ प्रिय परमेश्वर से मिलाओ This place is a rebirthing place. ये जगह नया जीवन नए जन्म पाने का जगह है ये जगह नवीन जन्म की जगह है One is baptized in water, he has taken a new, he is born in Jesus. और जो पानी का बपतिस्मा लेता है वो उसने नया जन्म पाया है पानी से बपतिस्मा घेतो तो त्याच्यामध्ये एक नवीन जन्म घेतो This place is a place of rebuilding of our life. और ये जगह है जहाँ पे हमारा जीवन दोबारा से बनाया जाता है ये किस जगह है जिकडे आपला जीवन नवीन होता This place is a place of reshaping of our life. और ये जगह हमारे जीवन को रूपांतर करने का जगह है ये जगह आपल्या जीवनाला परत रूपांतरित करीते प्रिय परमेश्वर से मिलानो वुड बी इन अ प्लेस वेयर गॉड रिफॉर्म्स अस हम उस जगह पे दिखाई देना है जहाँ पे परमेश्वर हमें नया करता है अपने अशा ठिकाणी दिसलं पाहिजे जेव्हा प्रभु आपल्याला परत नवीन बांधतो प्लेस वेयर रीबिल्डर वेयर गॉड रीबिल्डर हम उस जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे परमेश्वर हमें रूपांतर कर रहा है अशा ठिकाणी असलं पाहिजे जिकडे प्रभु आपल्याला परत नवीन रीतीने बांधतो प्लीज पुढे दिहुली नमस्कार परमेश्वर के पास तुझे अच्छा महिमा हो प्रिय परमेश्वर के पास Jesus was stepping out of water. जब यीशु पानी से निकल रहा था यीशु क्रिस्त पानी पर वर आला और स्पिरिट ऑफ गॉड केम अपॉन हिम और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा तो प्रभु से आत्मा तेजवती उतरला यस बिलावड चाइल्ड ऑफ गॉड आप ये परमेश्वर पर स्टेप अब
जहां कहीं भी कदम रहते हैं तुम्हें पाव ठेविता वहां पे पवित्र आत्मा होना चाहिए पवित्र आत्मा असला पाइए वहां पे उसका सामर्थ होना है बच्चे सामर्थ्य असले पाइए जहां कहीं आप जाएंगे फिक्री तुम्हें आप जो कुछ काम करेंगे ठीक है तुम्हें कविता प्रिय परमेश्वर प्रिय परमेश्वर लाइफ आपके व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत जीवन में आपके पारिवारिक जीवन में जीवन में आपके व्यापार के जीवन में व्यापारिक जीवन में जो कुछ आप करते हैं कहीं तुम्हें करीता जहाँ कहीं आप जाते हैं कितनी तुम्हें जाता वहाँ पे पवित्र आत्मा है पवित्र आत्मा से पैसे वहाँ पे तरह परमेश्वर का सामर्थ होना चाहिए सामर्थ्य से पैसे वहाँ पे परमेश्वर का वाणी होना चाहिए वाणी से पैसे वहाँ पे परमेश्वर का मर्जी होना चाहिए प्रभु की इच्छा से पैसे परमेश्वर की पवित्र नाथ की महिला है नाथ गौरव से प्रिय परमेश्वर प्रिय परमेश्वर का मिलाना spot is according to the will of God. जिस जगह पे आप रहते हैं यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहने हैं और जहाँ पिताणी तुम्हें आहार तीस जगह पे प्रभु के द्वारा नियुक्त के लिए से devil will not leave you. शैतान आपको नहीं छोड़ेगा तुम्हारा शैतान तुम्हारा छोड़ना नहीं oh, devil, he will not leave you. शैतान आपको नहीं छोड़ेगा शैतान तुम्हारा छोड़ना नहीं he will try to take you away from Jesus. वो आपको यीशु से अलग करने के लिए कोशिश करेगा यीशु पर से विभक्त करने के लिए प्रयत्न करें और डोंट गिव प्लेस और रूम फॉर डिस्करेजमेंट और डिस्टर्ब और आप कभी भी निराश होने के लिए आप जगह नहीं देना चाहिए निराश होने या हताश होने से भी कभी तुम्हें जगह दो न कहा डोंट गिव स्पॉट और प्लेस टू एनिमी टू वर्क इन योर लाइफ और शैतान आपके जीवन में काम करने के लिए आप कभी भी उसको जगह नहीं दीजिए रूला तुमसे जीवन आप कार्य करने से भी तुम्हें कभी सोलह जगह दो न कहा एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज बिलोंग्स टू जीसस क्योंकि आपके शरीर का हर एक अंग यीशु के लिए है कारण तुमसे शरीर का प्रत्येक अवयव चाहे तो यीशु कृष्ण का है Our body belongs to Jesus. हमारा शरीर यीशु का है आपके शरीर यीशु से है This is the temple of God. ये परमेश्वर का मंदिर है ये प्रभु से मंदिर है Holy Spirit abides in it. और पवित्र आत्मा इस पर बात करता है पवित्र आत्मा वस्त करी तो Beloved child of God. हाँ प्रिय परमेश्वर के परमेश्वर से मिलानो In every part of our body. हमारे शरीर के हर एक अंग पर अपने शरीर से प्रत्येक अवयव में Every part of our body should be filled with the power of God. हमारे शरीर का हर एक अंग पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए प्रत्येक अवयव में पवित्र आत्मा ने भरना दिला पाइए Now in Gospel of Mark chapter 1 in verse 11 we read that. हम मरकुस के सुसमाचार पहला अध्याय का 11 वचन में पढ़ते हैं मार्क शुभ वर्तमान पहला अध्याय से 11 वचन अपन वास्ते एंड दे केम ए वॉइस फ्रॉम हेवन सेइंग दाउ आर्ट माय बिलोव्ड सन इन हुम आई एम वेल प्लीज्ड और एक यह आकाशवाणी हुआ तू मेरा प्रिय पुत्र है तुझसे मैं प्रसन्न हूँ तुम आकाश तो नशीवाणी चाली की तू माझा पुत्र आहेस माला परम प्रिय आहेस आणि तुझ्या विषयी मी संतुष्ट आहे बिलोव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड प्रिय परमेश्वर या परमेश्वर से मिलानो इन 12 वर्स वी रीड दैट और 12 वचन में 12 वचन अपन And immediately the spirit drove him into the wilderness. अतः आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा आत्मा ने प्याला लाखलित अरण्य त्याग वेला पहले जंगलात अरण्य निले Immediately the spirit drove him into wilderness. अतः आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा त्याग क्षण मधे आत्मा ने पहला नारद अरण्य निले Just few minutes before, few seconds before, थोड़े से क्षण पहले क्षण अभी फादर स्टिलिंदरी उसमें बिला वर्षन पिता कह रहा है तू मेरा प्रिय पुत्र है पिता माने पिता की हाँ माँ प्रिय पुत्र है यो मैं बिला वर्षन तू मेरा प्रिय पुत्र हाँ माँ से परम पित्र पुत्र है नेक्स्ट मोमेंट स्टिलिंदर अगला क्षण कह रहा है क्षण ऐसा है गोइंग टू विल्डरनेस और जंगल की ओर जाओ आरण्य किला दिस इज माय बॉय Few minutes before he said, "This is my boy." तेरे समय पहले उसने कहा कि ये मेरा बेटा है। एक क्षण अधिक समय देता है कि हमारा परम प्रिय पुत्र है। My beloved son. वो मेरा प्रिय पुत्र है। हमारा परम प्रिय पुत्र है। It may happen with you also. ये आपके साथ भी घट सकता है। तुम्हारी सुधा ही हो सकता है। Few minutes before your father will tell that. दिस इज माई ये मेरा बेटा है सब पीठ पर मारते बोले मेरा बेटा है दिस इज माई बॉय
थोड़े दिन थोड़े समय के पहले परमेश्वर आपको कह सकता है, मार के कह सकता है कि ये मेरा बेटा है। काही क्षण आधी असा पिता म्हणू शकतो की हा माझा प्रिय परम पुत्र आहे, तुम्हाला सुद्धा म्हणू शकतो की हा माझा पुत्र आहे। दुसरा मिनिट बोलेगा थट थट, आणि दुसरा वेळा तसं म्हणेल बाबा बोलेगा थट थट, आणि दुसरा वेळा की जाऊन तो तिकडे बस। अरे अभी तो बोला ही मेरा बेटा है करके, अभी आता से मतलब तो कि नहीं, तुझा परम प्रिय पुत्र है। प्रेस टू द गॉड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इट डजंट मीन दैट माय फादर इज नॉट लविंग मी, इसका मतलब नहीं है कि पिता मुझसे प्रेम नहीं करता, ऐसा नहीं कि पिता तसवती प्रीति करता है। बिकॉज ही लव्स मी ही लीड अस, ही लीड्स मी इन दिस वे, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, मुझे इस रास्ते से लेकर जाता है। तसवती प्रीति करत असल्यामुळे तुम्हाला अशा मार्गातून नेतो। प्रेस टू द होली नेम ऑफ गॉड, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। पवित्र नावाचे गौरव असो। लव चाइल्ड ऑफ गॉड, प्रिय परमेश्वर के परमेश्वर से मिलानो। नाउ जीसस इज इन विल्डरनेस, अभी यीशु जंगल में है। तो यीशु क्रिस्त अरण्यात आहे। You know what is this wilderness? आप जानते हैं कि ये जंगल क्या है? ये जंगल क्या है? When you go through wilderness, you will think that this is your fault or mistake and a sins or punishment. अच्छा, आप जंगल से होकर जाएंगे, आप सोचेंगे कि मेरे पापों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। जब तुम्हें अरण्यात जाता, तुम्हें ऐसा विचार करीता कि कदाचित माझे पापांमुळे माझे चुकांमुळे निकळा आलो आहे। You think that this is my punishment. आप सोचेंगे कि ये मेरा शिक्षा है, आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की माझे दंड आहे। बिलव्हड चाइल्ड ऑफ गॉड, प्रिय परमेश्वर, प्रिय परमेश्वर से मिलानो। दिस विल्डरनेस इज नॉट योर फॉल्ट और पनिशमेंट, ये जंगल आपकी गलती, ये आपका दंड नहीं है। ये अरण्याचं आहे ते तुमच्या चुकीमुळे, तुमच्या पापामुळे नाही आहे। दिस विल्डरनेस इज अ प्रिपरेशन ऑफ युअर लाईफ, ये जंगल आपके जीवन के लिए पहले से बनाया गया है, तैयारी का काम है। ये जंगल जो है तो तुमसे तैयारी सख्या हुई। दिस विल्डरनेस इज अ प्रिपरेशन फॉर योर लाइफ, ये जंगल आपके लिए एक तैयारी का समय है। ये जंगल तुमसे जीवन से तैयारी सख्या हुई टू ओवरकम द डेविल, और उस शैतान पर प्रबल होने के लिए, तनावर्ती प्रबल होने के लिए, और शैतान पर प्रबल होने के लिए, आणि शैतानाचा सामना करण्यासाठी, ओवरकम दिस वर्ल्ड, और इस संसार पर प्रबल होने, आणि या जगावरती विजय प्राप्त करण्यासाठी। प्रिपरेशन ऑफ युअर लाइफ, और ये जंगल जो है आपके लिए एक तैयारी का समय है। ये जंगल जो है तुमसे तैयारी से वे आई। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ विल्डरनेस, हमारा परमेश्वर जंगल का परमेश्वर है। प्रभु जंगलाचा प्रभु आहे। आवर गॉड इज अ गॉड हू मूव यू, who move with the people of Israelites in wilderness. हाँ, हमारा परमेश्वर इसराइलियों के साथ जंगल में जाने वाला परमेश्वर है। अपना प्रभु इसराइलों का दरबार तो जंगलत सुधा गिला। हाँ, our God is a God who has sent bread and water to Elijah in wilderness. हाँ, हमारा परमेश्वर एलिया को रोटी और जल देने, जंगल में जल और रोटी देने वाला परमेश्वर है। अपना प्रभु ने एलिया ला जंगला मधे भाकर अनि पानी सुधा दिले। He is a God of wilderness who led the people of Israelite. और जंगल का परमेश्वर है जो इस्राएलियों को चलाया है। तो जंगला सा प्रभु है, तो इस्राएल का ना जंगला तुम सालविले। He established a great nation in this wilderness. और उसने इस जंगल में एक बहुत बड़े एक एक जाति को स्थापित किया। अनि यह जंगला मध्य से निकाल मोटा देश वाला तेरी स्थापित किले। In this wilderness, he was a rock, moving rock for the people of Israelite. और इस जंगल में इस्राएलियों के लिए चलता फिरता एक चट्टान होकर दिखाई दिया। इस्राएल का सब यह जंगला मध्य तो चलना फिरना सा खड़क चला। इस विल्डरनेस ऑफ गॉड, ही वाज लाइक लिविंग मन्ना। और इस जंगल में हमारा परमेश्वर एक जीवित मन्ना होकर दिखाई दिया। जंगला मध्य अपना परमेश्वर अपना सभी जीवंत मन्ना चला। इन दिस विल्डरनेस ऑफ जीसस, ही वाज गॉड, ही वाज लाइक ए फायर ऑफ पिलर एंड अ क्लाउड, पिलर ऑफ क्लाउड। और इस जंगल में हमारा परमेश्वर आग का खंभा और मेघ का खंभा होकर रखा। यह जंगला मध्य अपना परमेश्वर अग्निस्तंभ और मेघ स्तंभ चला। इस बिलावत चाइल्ड ऑफ गॉड, आप प्रिय परमेश्वर के बहुत प्रिय परमेश्वर से मिला। This wilderness God established us. और इस जंगल में परमेश्वर ने मैं स्थापित किया। आणि या जंगला मध्ये परमेश्वर ने आपल्याला स्थापित केलं आहे। इन दिस विल्डरनेस ऑफ गॉड मूव्स वी अस अ लिविंग रॉक। और इस जंगल में हमारा परमेश्वर हमारे साथ एक चलता फिरता चट्टानों को दिखाई देता है। आणि या जंगला मध्ये जीवंत खडक होऊन तो आपल्याबरोबर चालत फिरत आहे। एज अ पिलर ऑफ फायर ही इज मूविंग विथ अस। और एक आग का खंभा होकर वो हमारे साथ चल फिर रहा है। स्तंभ होऊन तो आपल्याबरोबर चालतो। एज अ पिलर ऑफ क्लाउड ही इज मूविंग विथ अस। और मेघ का खंभा होकर वो
हमारे साथ चलते रहे तो अपने बड़े बड़े चलते परमेश्वर के पवित्र नाम प्रिपरेशन फॉर अ लाइफ और ये जंगल हमारे लिए एक तैयारी का स्थान है तो अपने सारी तैयारी से एक स्थान है व्हाट दिस प्रिपरेशन और ये तैयारी किस लिए है तैयारी कशा सफिया है ओवरकम सेटन और शैतान तक टपल होने वर्ती विषय प्राप्त करने द फर्स्ट एडम विच ही हैज डन दैट मिस्टेक द मिस्टेक विच ही हैज डन दैट जीसस शुड ओवरकम एज अ सेकंड एडम और पहला आदम ने जो गलती किया वो दूसरा आदम यीशु मसीह उस पर प्रबल होना है पहला आदम ने जीसस के लिए है तो दूसरा आदम जो यीशु क्रिस्त है तेनी त्याच्या वरती विजय प्राप्त करायचा है इस बिलावत चाइल्ड ऑफ गॉड प्रिय परमेश्वर से मुलाकात God was preparing him परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था परमेश्वर पहले तैयार कर होता ओवरकम ऑल द डिसेप्शंस ऑफ सैटन और शैतान के सारी युक्तियों को प्रबल होने के लिए शैतानाच्या सर्व फसवणूक की वरती विजय प्राप्त करण्यासाठी परमेश्वर के पवित्र नाम की बिकॉज ऑफ नो टाइम आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी शॉर्ट समय नहीं है इसलिए मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ इसलिए मैं लौकर संभत है बिलावत शैल ऑफ गॉड प्रिय परमेश्वर के परमेश्वर से मिलाना फर्स्ट मे बी नोइंग दैट सैटन व्हेन सैटन वाज टेम्पटिंग जीसस आप सब जानते होंगे कि जब शैतान ने यीशु का परीक्षा किया तो आपने अनेक ठाउक है कि जब यीशु क्रिस्ता की परीक्षा शैतान ने घेतली अबाउट द टेम्पटेशन आई वांट टू कोट इन सिंपल थ्री वर्ड्स तीन वचनों में मैं उस परीक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ शब्दांत द्वारा तो क्या परीक्षा बदल में सांगू थी तो सिंपल थ्री स्टेटमेंट सेंटेंसेस आई वांट टू मूव फिनिश इट और तीन शब्द में मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ वचन मध्य तो सर्व में संपूर्ण थी तो व्हेन सैटन वाज टेम्पटिंग जीसस जब शैतान यीशु का परीक्षा घटी वॉज अ लस्ट ऑफ आइज लस्ट ऑफ फ्लैश एंड प्राइड ऑफ लाइफ और वो जीविता का गमन और आंखों की अभिलाषा और शरीर का अभिलाषा डोळ्यांची अभिलाषा आणि शरीराची वासना आणि जीवनाचे अभिमान होते बिलॉव्हड चाइल्ड ऑफ गॉड प्रिय परमेश्वर के परमेश्वर से मुलानो नाउ सैटन इज टेम्पटिंग जीसस सेइंग दैट अभी शैतान यीशु को यह बोलकर फरक रहा है शैतान जो है तो यीशु की परीक्षा घेऊन म्हणत आहे टर्न दिस रॉक इनटू ब्रेड और इस पत्थर को रोटी होकर बदल दो या खड़काला तो भाकरी में बदल फॉल बिफोर मी आई विल गिव यू ऑल दिस किंगडम और मेरे ऊपर गिर जाओ मेरी दंडवत करो और मैं सारे राज्य को तुम्हें दूंगा मुझे समोर दंडवत कर मुझे मैं तुला सर्व राज्य दें यू यू जम्प यू किक दिस रॉक एंजल्स विल अपहोल्ड यू और तुम यहाँ से कूदो और स्वर्गदूत तुम्हें थामेंगे तू एक न उड़ी मार और स्वर्गदूत देव दूत तुला यूं धरती प्रेस फॉर द होली नेम ऑफ गॉड परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा का पवित्र नाम से करो सो फ्रॉम हियर व्हाट वी लर्न यहाँ से हम क्या सीखते हैं कन अपन का सीखते हो सैटन विल टेम्प्ट यू विद द थिंग्स ऑलरेडी विच यू हैव विथ यू और जो कुछ चीज आपके पास है उसको लेकर ही शैतान आपको आपकी परीक्षा करेगा गोष्टी तुम्हारे है त्याच गोष्टी द्वारा शैतान तुम्हारी परीक्षा घतो वॉट ऑल द थिंग्स गॉड इज गिवन अन टू यू विथ दोज थिंग्स ओनली सैटन विल कम एंड टेम्प्ट यू जो कुछ बातें परमेश्वर ने आपको दिया है उसके द्वारा ही शैतान आपकी परीक्षा करेगा ज्या सर्व गोष्टी प्रभु ने तुम्हारा दिला है त्याच गोष्टी द्वारे शैतान तुम्हारी परीक्षा घतो सैटन नोज दैट जीसस हैज ऑल पावर एंड अथॉरिटी शैतान जानता है कि यीशु को सारे प्रकार का अधिकार है आणि शैतानाला ठाऊक होते की यीशु कडे सर्व अधिकार सर्व सामर्थ्य आहे ही वॉन्ट्स टू मेक जीसस दैट मेक यूज ऑफ हिज पावर फॉर अ रॉन्ग थिंग और शैतान चाहता था कि गलत बात के लिए यीशु अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल करे शैतानाची इच्छा होती कि यीशु ख्रिस्त ने अपने सामर्थ्याचा दुरुपयोग करायचा बिलॉव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड प्रिय परमेश्वर परमेश्वरचा मुलानो पावर विच गॉड हैज गिवन अन टू यू जो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दिया है सामर्थ्य प्रभु ने आपल्याला दिला आहे द ग्रेस विच गॉड हैज गिवन अन टू यू अनुग्रह परमेश्वर ने आपको दिया है कृपा प्रभु ने आपल्याला दिली आहे टैलेंट्स एंड द गिफ्ट्स विच गॉड हैज गिवन अन टू यू जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है वरदान आपल्याला प्रभु ने दिले आहे फॉर व्हाट पर्पस यू आर मेकिंग यूज ऑफ इट आप उसको किस चीज के लिए उपयोग करते हैं कैसे उपयोग करते हैं आर यू मेकिंग यूज ऑफ योर पावर फॉर अ रॉन्ग थिंग क्या आप आपके सामर्थ्य को एक गलत बात के लिए इस्तेमाल करते हैं तुम्ही तुमचा सामर्थ्य दुरुपयोगासाठी करत आहात का बिलॉव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड प्रिय परमेश्वर कसं मुलानो सम पीपल ऑफ गॉड दे मेक यूज ऑफ पावर फॉर अ रॉन्ग थिंग और कुछ लोग अपने सामर्थ्य को गलत बार के लिए इस्तेमाल करते हैं काही लोक जे आहेत आपले सामर्थ्याचा दुरुपयोग करतात द ग्रेस अनॉइंटिंग द पावर विच गॉड हैज गिवन अन टू देम दे मेक यूज फॉर अ रॉन्ग थिंग और जो अनुग्रह और जो अभिषेक और जो सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अभिषेक सामर्थ्य की कृपा
प्रभु ने दिले आहे तो ते त्याचा दुरुपयोग करतात. बिलव्हड चाइल्ड ऑफ गॉड, प्रिय परमेश्वर के मुलानो, गॉड हैज नॉट गिवन पावर टू मेक यूज फॉर रॉन्ग थिंग्स. और गलत बातों के लिए परमेश्वर ने सामर्थ्य नहीं दिया है. चुकीच्या गोष्टींसाठी दुरुपयोग करण्यासाठी प्रभु ने तुम्हाला सामर्थ्य दिला नाहीये. बट टू ओव्हरकम सैतान, पर शैतान पर प्रबल होने के लिए विजय प्राप्त करने की लस्ट ऑफ आईज, और आंखों की अभिलाषा पर और शरीर के अभिलाषा पर प्रबल होने के लिए विजय प्राप्त करने और जीविका के गमन पर प्रबल होने के लिए विजय प्राप्त करने प्रबल होने के लिए शैतानावती प्रबल होने पीपल ऑफ गॉड दे मेक यूज ऑफ द पावर ऑन द फैमिली मेंबर्स. और कुछ लोग अपने कुछ परमेश्वर के लोग अपने सामर्थ्य अपने परिवार के ऊपर चलाते हैं. कई लोग को अपना सामर्थ्य चलाने तो अपने कुटुंबा वरती चलता. सम पीपल दे मेक यूज ऑफ द पावर ऑन द वीक पीपल, और कमजोर लोगों के ऊपर कुछ लोग अपने सामर्थ्य को प्रकट करते हैं. कई लोग दुर्बल लोगों वरती अपना सामर्थ्य चलता. बिलॉव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, प्रिय परमेश्वर के लिए परमेश्वर से मिलाना. डोंट मेक यूज योर पावर फॉर अ रॉन्ग थिंग, आपके सामर्थ्य को गलत चीज के लिए इस्तेमाल न करो. राइट क्वेश्चन से अपने सामर्थ्य का उपयोग करो ना. मेक यूज ऑफ योर पावर टू ओवरकम दिस वर्ल्ड एंड सैतान, आपके सामर्थ्य को इस संसार के ऊपर प्रबल होने के लिए शैतान के ऊपर प्रबल होने के लिए इस्तेमाल करो. शैतानावर्ती या जगावर्ती विषय प्राप्त करने से भी अपने सामर्थ्य का उपयोग करो. बिलॉव्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, प्रिय परमेश्वर या परमेश्वर से मिलानो. नाउ सैतान इज टेलिंग टू जीसस जंप फ्रॉम दिस माउंट, अब शैतान यीशु से कह रहा है इस पर्वत से तुम कूदो. आता शैतान यीशु ना मरता है या पर्वतापासून तू उडी मार. इन 13th वर्स वी हैव रेड दैट एंजल्स मिनिस्टर्ड अनटू हिम, और 13 वचन में हमें पढ़ा कि स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा की. 13 वचनात आपण वाचतो की देवदूतांनी येऊन त्याची सेवा केली. एंजल्स केम एंड मिनिस्टर्ड अनटू जीसस, और स्वर्गदूत आकर यीशु का सेवा की. देवदूतांनी येऊन त्याची सेवा केली. दे वाज एंजल्स विद जीसस, यीशु के साथ स्वर्गदूत. यीशु कृष्णा बराबर देवदूत थे. They were doing ministry to Jesus. वो यीशु के लिए सेवा कर रहे थे. यीशु की सेवा कर रहे थे. The holy name of God. परमेश्वर की पवित्र नाम की प्रार्थना हो. प्रिय परमेश्वर की पवित्र नाम से मिलाओ. Born of water and spirit. और जितने लोग आत्मा और जल से जन्म लिए हैं, ज्या कोणाने पाण्याच्या द्वारे आत्म्याच्या द्वारे जन्म घेतला आहे. God has given his angels to you. परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत आपको दिया है. परमेश्वर ने त्याचे देवदूत तुम्हाला दिले आहे. Wherever you go, he has given his angels to you. जहां कहीं आप जाते हैं, परमेश्वर ने स्वर्गदूत दिया है. जिथे तुम्ही जाता, प्रभु से देवदूत तुमच्या बरोबर आहे. Whatever you do, there are angels of God with you. जो कुछ आप करते हैं, स्वर्गदूत आपके साथ है. कहीं तुम्ही करीता, प्रभु से देवदूत तुमच्या बरोबर आहे. परमेश्वर की पवित्र नाम के महिमा. I went through accident. जब मैं एक Once I went through accident. एक बार मैं एक दुर्घटना से होकर गया. जमाने का दुर्घटना तुम गिलो. I was in bed. और मैं बिस्तर पर था. मैं बिछाना थी तो. One pastor he came to see me. एक पास्टर मुझे देखने के लिए आया. पास्टर माला देखने से थे आला. And he asked me one question. उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा. मैंने माला प्रश्न पूछा ला. I went through very horrible accident. और वो बहुत ही गंभीर दुर्घटना था. अनेक खूब वाइट अशी दुर्घटना होती. That pastor he asked me one question. और उस पास्टर ने मुझे एक प्रश्न पूछा. पास्टर ने माने प्रश्न पूछा. सैमसन वेर इज योर एंजल्स. सैमसन आपका स्वर्गदूत कहाँ है? सैमसन तो फिर देवदूत कुछ है. द एंजल्स हु प्रोटेक्ट्स यू, वेर आर योर एंजल्स? जो स्वर्गदूत तेरी रक्षा करते हैं वो लोग कहाँ है? तुझे देवदूत जो तुला तुझे रक्षण करीता ते कुछ है? बिलव अच्छा है लगता. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर से मिलानो. मॉर्निंग स्पिरिट ऑफ गॉड इज आस्किंग विथ यू. इस सुबह के वक्त आत्मा आपसे पूछ रहा है. प्रभु से आत्मा तुम्हारा विचारित है. आर एंजल्स आर विथ यू. हालेलुया. आपके स्वर्गदूत आपके साथ हैं. आर एंजल्स आर विथ यू. क्या आपके स्वर्गदूत आपके साथ है? बराबर देवदूत आहेत का? आर एंजल्स आर विथ यू. हालेलुया. आपके स्वर्गदूत आपके साथ है. आर दे वॉकिंग विथ यू. आपके साथ चल रहे हैं. आपके घर पे आपके स्वर्गदूत है. घरा मध्य देवदूत है. एंजल्स आर विथ यू इन योर वर्किंग प्लेस. आपकी जगह पे स्वर्गदूत है. काम ठिकाने देवदूत है. आपके आत्मिक जीवन के हर एक बात में स्वर्गदूत है. आत्मिक जीवनाच्या प्रत्येक स्थिति मध्ये देवदूत तसे बरोबर आहेत का? Yes, beloved, sign up God. Yes, God has appointed his angels for you. Hallelujah. आपने स्वर्गदूत आपके लिए नियुक्त किया है. तो सभी देवदूत जीवन की रक्षा के लिए सारे आपदी
से आपको बचाने के और सारी परीक्षा से आपको बचाने यदि आपने अपनी सर्विस को खो दिया है यदि आपके सर्विस आपके साथ नहीं है तो सर अपन सी बड़े पाया और आपके रक्षा करेंगे माफी रक्षा करो नहीं आपके सर्जन आपके लोग रक्षा करो नहीं आपके सर्जन आपके बच्चों के साथ रहना है तुझे दिल दुख माजी बोला से रक्षा करो सर्जन मेरे पति के साथ पति पर बनाओ मेरे पति के साथ सर्जन रहना पति पर बनाओ मिला